सो दोस्तों, ये सामने आप देख सकते हैं मंदिर है और ये वो कुंड है जहां अभी हमें स्नान करना है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं अभी और हम निकल चुके हैं श्री कमंडलनाथ गणपति जी के दर्शन के लिए। तो यहां से मैं कुछ ऑटो या कुछ कैब करता हूँ, उसके बाद अपन मिलते हैं सीधे मंदिर में और आपको कुछ व्यूज़ दिखाते हुए चलता हूँ मैं। तो एंजॉय करते चलिए। देख सकते हो पूरा सन्नाटा हो रहा है, कोई नहीं है, बस कुछ एक लोग घूम रहे हैं। देखते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सामने कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। पूरा फॉग जमा हुआ है सामने, पूरा का पूरा। एक्चुअली अभी मुझे कुछ भी ऑटो नहीं मिला है, तो सोच रहा हूँ किसी से लिफ्ट लेते हुए चलूँ। तो हम आराम से पैदल डिस्टेंस से भी वॉक कर सकते हैं। ये छोटा सा कुत्ता हमें देख रहा है। वो। छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा है। आ गया तो 12 बजे डालेगा अपनी। घूर रहा है भाई मुझे। देख सकते हैं ना बंदा ना बंदे की जात। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये छोटा सा पुलिया है, इसके नीचे से पानी बह रहा है नदी में से। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए हैं श्री कमंडलनाथ गणपति जी। ये आप सामने गेट देख सकते हैं।
ये गेट है, यहाँ से हमें अंदर जाना है, थोड़ा सा अंदर जाना है, उसके बाद मंदिर आएगा। लगभग मुझे आधा घंटा लगा, 4 किलोमीटर दूर था होटल से। बोल गजानंद महाराज की जय। तो इसका ये मुख्य द्वार है, यहाँ से अब अंदर जाना है। तो गणपति भगवान का नाम लेते हुए जय गजानंद महाराज की जय। जय गन्नू भैया। जय गजानंद महाराज की जय हो गन्नू भैया। ऐसी किसी जगह पर आओ तो काफ़ी सुकून सा सुकून लगता है। देख सकते हैं आप कितना शांत माहौल है, शुद्ध, एकदम शुद्ध वातावरण। यहाँ पे किसी तरह का कोई पॉल्यूशन, धुआं, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं। बोलते हैं ना, जो नेचुरल ब्यूटी वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। जय गणपति गजानंद भगवान की जय। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री कमंडलनाथ गणपति जी के मंदिर के यहाँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही वो मंदिर है जहाँ पे दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे से मैं उठ गया था। 6 बजे से पैदल चलते हुए आ रहा, लगभग आधे से पौन घंटा या कह सकते हैं 1 घंटे के अंदर मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। गणपति बप्पा मोरिया। सो दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं मंदिर है, और ये वो कुंड है जहाँ अभी हमें स्नान करना है। यहीं से स्नान करने के बाद हम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों ये श्री कमंडलनाथ जी की मूर्ति है और पंडित जी उनका अभिषेक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ से जल निकाल रहा है, यहाँ से निरंतर 2400 मास
हमेशा पानी निकलते ही रहता है। यह वही जगह है जहाँ से ब्रह्मा जी ने पार्वती माता को अपने कमंडल से जल निकाल के दिया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम श्री कमंडलनाथ गणपति जी पड़ गया है। और ये जो गणपति जी की मूर्ति है माता पार्वती जी ने स्थापित की थी यहाँ पर।